बस अब लगेगा कि फ्रेश फ्रेश हो गई हूँ। लेमन वाटर भी ले लिया है। बाप रे, कोरोना का जो हाल है एकदम, मतलब ऑल टाइम टेंशन और टेंशन। कितने सारे मतलब आसपास सारे को देख रही हूँ, एकदम चले जा रहे सब कुछ, बहुत टेंशन हो रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन एनीवेज, आप लोग कैसे हो? आई होप कि सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हो, सेफ हो। मैं भी ठीक हूँ, मेरे फैमिली भी सारे बहुत अच्छे। तो गाइस, अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ, कल तो सब कट करके रखी हूँ, अभी तो हम किचन में खाना बनाने। अभिराज भी उठ गया है, उसका ऑनलाइन क्लास है, और एक दिन तो छुट्टी नहीं है। किचन तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि सारे काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। पाचन तो नहीं करेगा, वो तो चले गए ऑफिस खाना, और मतलब वो खा के टिफिन विफिन खा के चले गए हैं, और जो बाकी के काम है वो अब मुझे निपटाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग साथ में रहो और देखते रहो। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, जो परवल का जो सब्जी था ना, मतलब पोटल रक्षा, तो भी मेरा हो गया है। अभी अंडा कड़ी बनाऊंगी, और फिर बनाऊंगी जो शाग होता है ना, उस पत्ती का झोल मैंने एक बार शेयर किया था, थोड़ी बनाऊंगी। तो आज कंप्लीट हो जाएगा लंच का मेन्यू। उसके बाद बहुत सारे काम करना है, मतलब वो काम पार्टों को करना चाहिए था, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, बहुत भारी भारी काम है। तो वो करूँगी। फिर जो फ्लिपकार्ट से खरीदा था जो स्टोरेज बॉक्स था, उसको उस पर थोड़ा सा कपड़े थोड़ा ठीक ठाक करके रखूँगी, देखती हूँ होता है कि नहीं, पहले ये कर लूँ, फिर एनर्जी रहेगा तो वो सारे काम करूँगी। जल्दी जल्दी नहा लिया, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। ये जो बेड है ना, तो इसके अंदर ये हाइड्रोलिक भी नहीं है, ऊपर से जो क्या बोलते हैं ऐसे लॉक सिस्टम है ना, वो भी नहीं। ये गद्दा उतारना पड़ेगा, फिर जो कार्लन है उसको भी उतारना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर से खोल के प्लाई को फिर सामान अंदर घुसाना है। तो मैं जो सारे जो विंटर के सामान है ना, वो मेरे बाहर ही पड़ा था, आज मैंने धूप पे दिया है तो एकदम चंगा हो गया है, तो वो सारे रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी तो उसका कोई काम नहीं है, बहुत गर्मी, अभी तो ठंड नहीं है ना, तो बाहर रख के ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है, तो मैं इसको अंदर रख दूँगी। और ये काम मेरे लिए बहुत ही मतलब भारी है, क्योंकि ये जो क्या कार्लोन का जो है ना, वो इतना भारी है ना कि क्या मतलब, मेरा तो दम निकल जाता है। तो पार्थो को मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन वो करता नहीं है कुछ, ये सारे काम करता ही नहीं है, सिर्फ ऑफिस से आता है, खाता है, सो जाता है, कुछ नहीं करता है, सारे काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं अभी वो सारे जो कंबल ब्लैंकेट्स, बड़े बड़े जो कंबल है ब्लैंकेट्स है, लेप, हम लोग बंगाली में बोलते लेप तोशो, सारे मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो चलो काम पे लग जाते, जल्दी जल्दी नहा लिया, क्योंकि क्या है ना, नहा लूँगी ना तो लगता है कि एक काम मतलब कंप्लीट हो गया, अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, कोई आएगा भी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर अगर नहाने जाती तो प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए मैंने नहा लिया है, अभी ये सारे काम कर लूँगी, फिर पार्थो आएगा। मेरा तो खाना बनाना तो हो गया है, पार्थो आएगा, फिर उधर अभिराज तो खुद काम कर रहा है, मतलब क्लास कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर दूसरे काम पे काम करूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे जो बेड के ऊपर थे, गद्दा था, फिर जो कार्लोन था वहाँ पे, वो मैंने सारे उतार के रख दिया है। और इस काम पे मुझे हेल्प कर रहा है मेरा बेटा अभिराज, क्योंकि वार में ही हूँ घर पे, तो इसलिए वही मुझे हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे जो बॉक्स है ना, उसको मैं पहले क्लीन कर रही हूँ, धुले हुए कपड़ों से उसको क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एसी का जो कार्टून्स था वो घुसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो घुसा नहीं, तो मैं फिर उसको रख दे रही हूँ। और ऊपर जो कंबल वंबल है वो सारे मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मेरे मासी भी आ गए हैं, तो अभी वो भी मेरा हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा हो गया है, बेड में जो रखना था वो मैंने रख दिया है, विंटर का सामान। कंप्लीट हो गया है। और अभी अभी आया है पार्थो, मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाऊँ, हाथ पाथ धो लूँ, फिर राइस बिठा दूँगी, बस लंच भी कंप्लीट कर लूँगी, तो आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और वो वाला जो स्टोरेज बॉक्स है उसको देखती हूँ कब करूँगी, क्योंकि अभी एनर्जी एकदम है, खा लूँ फिर उसके बाद। खाने दे दिया और अभी राजीदार क्लास कर रहा है। टकला खड़ा होके कर रहा है, वीडियो ऑफ है बस। फ्रेंड्स यहाँ पे इवनिंग हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग इवनिंग पे मोमो ले रहे हैं, क्योंकि पार्थ तो ऑफिस से ये क्या हो गया। तो मोमो सर्व करते करते मेरा जो सब्जी था यहाँ पे रखा था काउंटर टॉप में, तो वो पूरा गिर गया है। अब मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा गिरा है, ज़्यादा नहीं। बाय द वे हम लोग अभी खा रहे मोमो, क्योंकि पार्थ तो ऑफिस से आते वक्त मोमो लाया था, तो वही आज का इवनिंग स्नैक्स है। उसके बाद हम लोग टी ले लेंगे, तो हो जाएगा बस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ अभिराज के रूम में। दोपहर के बाद अभी स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, और हमारा इवनिंग का जो स्नैक्स है वो हो गया है। और अभिराज को बताया कि वो जो स्टोरेज बॉक्स मैंने खरीदा था ना, वो अभिराज के लिए ही था, मतलब अभिराज के जो कपड़े हैं उसके लिए था। उसमें मैं सारे जो विंटर के कपड़े हैं ना, जो अभी तो यूज़ नहीं होगा, तो उसको रख दूँगी, ताकि मेरा जो वो उसका तो छोटा सा एक ऑर्डर है वो वाला, वो ताकि उसमें मतलब जो यूजेबल है अभी अभी के लिए वो रख। तो यहाँ पे पहले मैं वाटर से सारे जो विंटर के कपड़े हैं सारे निकालूंगी, और धीरे धीरे इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये रेडी हो गया है, सारे बच्चे लोग आ गए खेलने। और इसमें मैंने एकदम ठूस ठूस के घुसा दिया है, ताकि ये मतलब अभी नहीं खोलूँगी, ये रहने दो, इसमें मतलब अभी यूज़ करने के लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, इसको बचा के रखी हूँ। क्योंकि फिर खरीदने का पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो इसको ठीक से रख दी हूँ, देखती हूँ क्या करना है। तो दूसरा जो बॉक्स था उस पर मैं सोच रही हूँ जो मतलब फुल स्लीव वाला जो टी शर्ट शर्ट है ना, उसको रख दूँगी, तो वो मैंने रख दिया है, बस कंप्लीट हो गया। और ये है अभिराज का वार्डरोब, कुछ इस तरह से दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। ऊपर मैंने जो उसका कुर्ता है, कुर्ता पायजामा, वो रखा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाफ जो स्लीव्स है उसको रख दिया है शर्ट। और यहाँ पे उसका मतलब ब्लेज़र है, स्कूल का एक ब्लेज़र है, और एक जस्ट फुल स्लीव वाला शर्ट रखा है बाई चांस अगर लग जाए। और एक कुर्ता है जो मतलब शादी वादी के लिए, थोड़ा सा ब्लेजी वाला।
और यहाँ पे सारे जो बेल्स है ना, मैंने इस हुक पे लगा है जो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, आपको दिखा था उससे, तो वहाँ पे उस पर लगा है, वो बहुत ही अच्छा है, स्टडी भी है। और यहाँ पे मैंने जो हाफ जो स्लीव्स है उसका शर्ट टी शर्ट ये सारे मैंने इस पर रख दिया है फोल्ड करके अच्छे से, ताकि आसानी हो ढूंढने में। और ये जो बॉक्स है इस पर मैंने उसके सारे जो फुल हाफ सारे जो पैंट है मैंने इस पर फोल्ड करके रख दिया है। और ये साइड पे मैंने एक कारपेट है, नया ही है, कारपेट नहीं मतलब रग टाइप का है, तो मैंने उस पर फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है इसीलिए। तो ये है ऑर्डरअप का लुक। और ये साइड पे मैंने उसको बॉक्स को रख दिया एक के ऊपर एक, और ये साइड पे उसने खिलौना रखा है, और ये साइड पे मैंने होली पे जो पहना था तो वो मैंने फोल्ड करके रख दिया है, वो तो लगता ही नहीं है तो इसीलिए रख दिया है। और नेक्स्ट वाले पे कुछ है नहीं, ये मच्छरदानी है, सिंगल बेड का ही है तो इसको रख दिया है, बाय द वे ये तो खाली है। और ऊपर जो है ऊपर उसका खिलौना वगैरह है, ये चेस है तो ये रख दिया है। तो ये हो गया है पूरा कॉम्प्लीट।